आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया पार्ट नंबर 2 ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर भी अगेन कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप उनको तैयार कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा आया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन एंड वाई इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी बाई फोर इक्वल टू जेड ऑफ ऑर्डर 2 बाई बी, फाइंड वैल्यूज ऑफ एम कॉमा पी एंड बी। हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों, इसको करने के लिए हमारे पास लॉजिक क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, इसका जो लॉजिक है हमारे पास कुछ इस तरह है, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी हमें पता है, हम ये पढ़ चुके हैं, जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों कंडीशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स से तो कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो, ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए आगे हम कैसे अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, मैंने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स के होना चाहिए कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के होना चाहिए बच्चों रो, ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ही हमें गिवन एक्सप्रेशन है, इसमें आप ध्यान से देखिए, मैंने इस रेड बॉक्स के अंदर मार्क कर रखा है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स एक्स जो है इसका ये क्या है कॉलम, और ये जो वाई मैट्रिक्स है ये क्या है इसकी रो। क्लियर? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर आप चाहते हैं एक्स और वाई मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना, क्लियर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखते हैं हम आगे, फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स वाई, यानी अगर हम चाहते हैं एक्स वाई का प्रोडक्ट करना, तो यहाँ कंडीशन है 3 इक्वल टू p होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल चुकी है 3। आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा आगे स्टेप क्या होने वाला है। अब देखिए, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट, अब देखिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई के बाद कुछ ऐसा कंडीशन मिला, एक्स इंटू वाई, ये हमें मल्टीप्लाई हो चुकी है दोनों मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बाहर लिखते हैं उसका ऑर्डर, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद एक मैट्रिक्स तैयार होती है नई, और उसका भी कुछ ऑर्डर आता है बच्चों, तो वो कैसे आएगा देखिए। यहाँ पर ये पुरानी कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ वापस से। देखिए यहाँ पर ये जो देखिए बच्चों, ये हमारी पुरानी कंडीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन गिविन था। अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये 3 और p को इक्वल करके मल्टीप्लाई तो कर दिया, p की वैल्यू मिल गई यहाँ से, और जो ऑर्डर तैयार होता है वो किन से तैयार होता है बच्चों, ये जो बची हुई वैल्यू है m और 4 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों जब ऑर्डर लिखेंगे आप, तो वो क्या लिखेंगे, m बाई 4, और ये जेड जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स आ गई, एक्स वाई एंड जेड, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, बराबर में इक्वल साइन आ रहा है। तो इक्वल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है m, वो इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर, यानी यहाँ से हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी बिल्कुल सेम। कॉलम किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे के कॉलम के, बस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, नाउ टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल इफ एम इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, पी की वैल्यू 3 हम निकाल चुके हैं, एम की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और बी की वैल्यू आ चुकी है 4। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं टोटल, हमें बताना है इस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले इसका जो लॉजिक है बच्चों वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ इसका जो लॉजिक है। यहाँ पर सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, ये जो आपको 18 दिख रहा है, इस 18 को हम टेबल की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यानी इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए 18 के हम क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 1 इंटू 18 एंड 18 इंटू 1, ये हम इसके सारे फैक्टर लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों डिजिट का आंसर कितना होना चाहिए, 18। तो यहाँ पे ये जो सारे पेयर आपको दिख रहे हैं यही क्या है, इनके ऑर्डर, तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पे टोटल कितने ऑर्डर्स हैं, 6, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इफ ऑर्डर 2 बाई 2 विच विद ईच एंट्री 1, 2 और 3। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है मैट्रिक्स, हमें यहाँ बताना है ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, यानी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं 2 बाई 2 ऑर्डर की, अगर उनमें एंट्री यानी उनके अंदर एलिमेंट्स अगर 1, 2 और 3 भरे जाएँ सिर्फ। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसके लिए जो लॉजिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले में जो कंडीशन है वो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। जब भी आपको पॉसिबल मैट्रिक्स का क्वेश्चन आए कि बताइए कितनी होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना है नंबर ऑफ एंट्रीज टू द होल पावर ऑर्डर, ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए
नंबर ऑफ एंट्रीज का मतलब यहाँ पे कितनी एंट्रीज फिल हो रही है, 1, 2 और 3, टोटल यहाँ पे 3 एंट्रीज है। ऑर्डर कितना दे रखा है, 2 बाई 2, बस इनको यहाँ पुट करना है। तो देखिए क्या आता है हमारे सामने रिजल्ट। नंबर ऑफ एंट्रीज अभी बताया था, टोटल 3 एलिमेंट भरे जा रहे हैं, 1, 2 और 3, तो 3 हो गया। ऑर्डर रख दिया 2 बाई 2, इसको सॉल्व करके आएगा 81। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सेम बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए अगेन हमें यहाँ पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है, और ऑर्डर कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पर, 2 बाई 2। हमें अगेन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 दे रखा है, और यहाँ पर इस बार एंट्री बच्चों सिर्फ 2 एलिमेंट की है, 0 एंड 1। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अगेन मैंने आपको अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो क्या है देखते हैं। यहाँ पर जो बच्चों फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज टू द होल पावर ऑर्डर। एंट्रीज इस बार कितनी है बच्चों, 2, और ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2। जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, इसकी पावर है के, इक्वल टू है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें बताना है इस के की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। तो देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए जो बच्चों यहाँ पर कंडीशन है वो क्या है, मैं आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, मिसलेनियस एग्जाम्पल, यानी मिसलेनियस का फर्स्ट एग्जाम्पल है मैट्रिक्स चैप्टर का। वहाँ पर आपने मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ किया था पूरा फॉर्मूला, क्लियर है। आप देख सकते हैं जाकर, अपनी बुक खोलिएगा, आपको ये मिल जाएगा फॉर्मूला। जब भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा की होल पावर एन होती है, तो वो एन पावर हर एक एंगल से क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है, क्लियर। देखिए वो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो ये इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अब क्वेश्चन में देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो अब के आ रहा था, इसको हम कहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हर एंगल के साथ। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इस फॉर्म में दे रखा है। देखिए कॉस आ रहा है, इसमें भी यहाँ माइनस साइन है, तो इधर भी माइनस साइन आ रहा है, इधर साइन है, इधर भी साइन, कॉस कॉस, बिल्कुल सेम है। पावर भी आ रही है, तो पावर को आप क्या करेंगे, एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर जगह क्या लिख देंगे, के। अब जो बात आती है के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो के की वैल्यू के लिए हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये वही कंडीशन है सेम। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चों वैल्यू होगी ना, वो के की वो कितनी होगी, 5। अब 5 क्यों होगी, तो ऐसे बच्चों कुछ नहीं है यहाँ पर, पता है क्या करेंगे, जो लॉजिक है वो ये है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, बस वो के की वैल्यू होने वाली है, और कुछ नहीं, सिंपल। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों, 5, तो के की वैल्यू 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो कैंसिल कर देगी वैल्यू को, और जो इक्वल में मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। देखते हैं कैसे। देखिए अगर मैं के की जगह 5 रखता हूँ ना, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है, 5 रखते ही हमने देखा ये जो 5 है ये आपस में कैंसिल कर देगा, हर जगह से यहाँ से कटेगा, हर जगह से ही कट जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास कुछ ये मैट्रिक्स बनेगी, cos 2π माइनस sin 2π, sin 2π एंड cos 2π, और इनकी वैल्यूज बच्चों हमें पता है क्या होती हैं, cos 2π 1 होता है, sin 2π 0 होता है। तो आप देख सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स आ गई दोनों। तो इसलिए यहाँ पे जो के की लीस्ट वैल्यू होगी वो कौन सी होगी बच्चों, 5। के इक्वल टू 5 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और एक मैट्रिक्स गिवेन है। ये मैट्रिक्स बच्चों एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें बताना है इसमें से के की वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ा हुआ है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यही हम कंडीशन को अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए ये ए मैट्रिक्स हमने कॉपी कर दी, पावर में टी लगा दिया, माइनस साइन लगाया एज इट इज, और ए मैट्रिक्स क्वेश्चन से कॉपी कर दी। अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड आपको दिख रही है इसका करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के अगर मैं प्रॉपर्टी रिकॉल करूँ तो क्या होता है, रो को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, कॉलम वाइज। तो आप देख सकते हैं अगली लाइन में, देखिए ये रो है, इसको मैंने कॉलम वाइज लिख रखा है। देखिए सेकंड रो को भी अगेन कैसे लिखेंगे, कॉलम वाइज आप लिखते जाइए, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज। और बराबर में ऐसे ही कॉपी करना है, माइनस साइन का अंदर इंटू कर देंगे हर एक एलिमेंट में। अब आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑर्डर सेम है, एलिमेंट भी देखिए सब इक्वल आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों, तो के की लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है थर्ड एलिमेंट, और यहाँ पर भी देखिए आप ध्यान से के दिख रहा है इधर, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ इक्वेट कर देंगे, है ना। इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, सिंपल के इक्वल टू माइनस 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में है हमारे पास इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए और बी यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक।
देन हमें बताना है ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है, गिवन दैट ए और बी सिमेट्रिक हैं तो हम ये लिख सकते हैं सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज ए होगा और बी ट्रांसपोज बी होगा, क्योंकि ये गिवन है ए और बी सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक की यही कंडीशन होती है। अब देखिए अब हमें बताना क्या है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना बच्चों कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे सिंपल जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसका कर देंगे ट्रांसपोज। क्लियर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसका ट्रांसपोज लगाया है यहाँ पर। अब ट्रांसपोज लगाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी ओपन करेंगे कैसे, यहाँ पे सपोज करिए ये पूरा ए है माइनस ये पूरा मान लेते हैं बी, तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जब हम ओपन करेंगे तो वो आएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, दोनों पे ट्रांसपोज लग जाएगा इंडिविजुअली। अब उसके बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया है बच्चों, सही है। अब देखिए उसके बाद नाउ वी यूज रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ क्या होता है देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। रिवर्सल लॉ कहता है बच्चों क्या, कि यहाँ पर जब भी ए बी का ट्रांसपोज हमें करना हो, यानी दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है उनका हमें करना है ट्रांसपोज, तो उनको रिवर्स ऑर्डर में ओपन करा जाता है। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ, देखिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिखने वाले हैं बी का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। इसी को हम बोलते हैं बच्चों रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन नंबर वन थी वो ये थी, हमने रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज लगाया है यहाँ। देखिए ए बी का ट्रांसपोज था उसे रिवर्स लिखा बी ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो भी रिवर्स खोला जाएगा ए ट्रांसपोज एंड देन बी ट्रांसपोज। अब उसके बाद बच्चों ए और बी कौन सी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक, तो ये कंडीशन होगी। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जहाँ ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ रहा है वहाँ ए और बी पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पुट कर दिया हमने, अब उसके बाद यहाँ से माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो हमें देखिए कुछ ये कंडीशन मिली। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है दोनों में, ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है माइनस टाइम्स की, ये सिर्फ कहाँ मिलता है हमें स्क्यू सिमेट्रिक में। तो बच्चों ये जो हमें ए बी माइनस बी ए पूछा था ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमसे पूछा गया, यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है, मैट्रिक्स दे रखी है और एक कंडीशन गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन फाइंड अल्फा। हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, गिवन दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, वैल्यू कॉपी पेस्ट करना शुरू, ए की वैल्यू कॉपी करी, यहाँ भी ए की वैल्यू कॉपी करी, ट्रांसपोज लगाया इक्वल में आई रख दिया 1001। अब उसके बाद बच्चों ये एज इट इज कॉपी करनी है मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके आपको कॉपी करना है। ट्रांसपोज का मतलब अगेन मैं एक बार और बता देता हूँ, रो को आप कैसे लिख देंगे कॉलम वाइज, क्लियर। ऐसे ही सेकेंड रो है इसको अगेन आप कैसे लिख देंगे कॉलम वाइज, ये हमने लिख दिया और ट्रांसपोज कर दिया। अब उसके बाद देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स के हो जाएंगे ऐड, प्लस साइन आ रहा है तो कॉस अल्फा 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड प्लस साइन अल्फा 0, सेम बाकी के नीचे एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो मिलेंगे 0 एंड 2 cos अल्फा। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अभी कंडीशन आई थी, अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। अब देखिए कंपेयर करने के बाद क्या आता है हमारे पास, 2 जाएगा राइट साइड में 1/2 हो जाएगा, और कॉस में 1/2 होती है कॉस 5/3 की, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों 5/3। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अब यहाँ एक कंडीशन गिवन है देन फाइंड ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर बात आती है ये जो कंडीशन दे रखी है उसे हमने लिख लिया एज इट इज। अब यहाँ हमने क्या करा, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद हमने क्या करा, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा ए से बोथ साइड। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी, यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दिया ये रहा ए, और ए इनवर्स बी एज इट इज़। अब देखिए उस यहाँ पर क्या है, आपने ये पढ़ा होगा मैट्रिक्स चैप्टर में क्या, कि पढ़ा होगा कि जब भी ए इनवर्स और ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें, है ना, ए इनवर्स और ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा क्या मिलती है, हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो एक प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, ए इंटू ए इनवर्स आ रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो देखिए हमने ये लिखा ए इंटू ए इनवर्स को आई, बी ए एज इट इज़ और ए बी एज इट इज़। और आपने ये भी पढ़ा होगा किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब किसी मैट्रिक्स में इंटू करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो देखिए आई इंटू बी है,
आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स में करो तो वही मैट्रिक्स आएगी सेम बी। तो देखिए ये कुछ इस तरह होगा, ए बी इक्वल टू माइनस आई बी को क्या लिख देंगे बी और यहाँ ए। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारी एक कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए बच्चों अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसके बाद देखिए टू ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी नोट कर सकते हैं। अब ए बी की वैल्यू हमें पता है बच्चों माइनस बी है। देखिए ये जो रेड सर्कल में मैंने बंद करी है ए बी की वैल्यू, इसको एक वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस ए बी एज इट इज लिखा, और दूसरे ए बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी माइनस बी है। अब ये दोनों वैल्यू बच्चों क्या होंगी, ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, यानी ये दोनों वैल्यू देखिए अपोजिट हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा ए बी माइनस बी है। और यहाँ पे हमारे पास सिंपल बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। अब देखिए इसके क्वेश्चन काफी छोटा है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है देन फाइंड ए की पावर एन, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों बात आती है ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसमें से हम ए कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए डायगोनल में हर जगह ए आ रहा है। जब एलिमेंट सेम होते हैं तो हम उन्हें कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते ही डायगोनल में वन 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 हो जाएगा। और ये कौन सी एक मैट्रिक्स होती है, हमने पढ़ी हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर, आई लिख सकते हैं हम। अब देखिए हमें क्या निकालना है बच्चों, ए की पावर एन, तो एन हम यहाँ लगाएंगे और ए आई टू द होल पावर भी क्या कर देंगे हम एन। जब हम करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, जब हम देखिए ए आई की होल पावर एन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए की पावर एन इंटू आई की पावर एन। और हमने ये पढ़ा है कभी भी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितनी भी हो वो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, क्लियर। तो यहाँ पर अब आई की पावर एन को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, और आई की वैल्यू वापस से पेस्ट कर सकते हैं 100010 एंड 001। इसके बाद बच्चों यही आंसर होगा इसका, या फिर और सिंप्लीफाई के लिए आप ए की पावर एन को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये है इसका फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11th है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ओमेगा आ रहा है। क्या आपने ओमेगा कहीं पढ़ा है, ओमेगा अगर आपने नहीं पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। ओमेगा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, ये क्यूब रूट होता है यूनिटी का, यानी वन का ये क्यूब रूट होता है। तो यहाँ पर अगर बच्चों आप नहीं जानते कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करें। अब देखिए इसे को मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो ऊपर कंडीशन दे रखी है ना, ये वाली जो कंडीशन आपको दे रखी है इसमें देखिए बीच में प्लस साइन है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। वन को ओमेगा के साथ ऐड करेंगे, वन प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा, फिर ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड देन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, और बाहर प्रोडक्ट में ये दूसरी मैट्रिक्स है वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर ली। अब देखिए इसके बाद क्या होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होता है यूनिटी का। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी पहली है अगर हम वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड कर दें तो हमें मिलता है ज़ीरो। अगर बच्चों आपको ये सीखना है तो मैं दोबारा कह रहा हूँ वीडियो जाके पहले वो देखें अगर आपको नहीं आता, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये लिखी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अब हम इसी प्रॉपर्टी से इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या क्या आती है वैल्यू। देखिए वन प्लस ओमेगा लिखा हुआ है यहाँ बच्चों, तो वन प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ सकती है आप बता सकते हैं, कहाँ से निकालेंगे इस प्रॉपर्टी से। तो देखिए वन प्लस ओमेगा का मतलब ये दोनों प्लस में है, इसको हमें कहाँ भेजना है, राइट साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, वन प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सेम अगला है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए आप ध्यान से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है इस बार, तो बचा कौन, वन वन इधर जाएगा राइट साइड में हमें मिल जाएगा माइनस वन। ऐसे आपको नीचे के दो एलिमेंट भी लिख देने हैं और इनटू में दूसरी मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी करते जाना है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हो गया सिंप्लीफाई, अब हम यहाँ करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों, पहली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स से उसका कॉलम, हम करते हैं उनका प्रोडक्ट। अब देखिए क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर का वन में करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन इंटू ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर ये पूरा कंबाइन है ना, ये है पूरा माइनस ओमेगा, ये पूरा माइनस है ना, और ये माइनस अगला रो लेंगे, अब आप अगली रो का करेंगे अगेन इस कॉलम में, तो देखिए माइनस वन का वन में होगा तो माइनस वन आ गया ये रहा, और फिर उसके बाद माइनस ओमेगा का ओमेगा में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर,
क्लियर। अब देखिए इधर ये जो फर्स्ट रो है इसमें से माइनस कॉमन आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचा, इधर से भी माइनस कॉमन आ गया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा। अब इस प्रॉपर्टी से जो ऊपर लिखी हुई है इस प्रॉपर्टी से आप वैल्यू निकालिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा माइनस वन, और ये बाहर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा बच्चों माइनस ओमेगा, बाहर माइनस है तो ये बना देगा इसको प्लस। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा वन ओमेगा एज अ कॉलम रो। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी जिसमें एलिमेंट होंगे वन और ओमेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्वेश्चन में है बच्चों ए इनवर्स एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, हमें फाइंड करना है ए ट्रांसपोज टू द होल इनवर्स। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात आती है ये जो ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स है ना, हम इसको रिवर्स लिख सकते हैं, कैसे, अंदर इनवर्स लगा सकते हैं और बाहर ट्रांसपोज को भेज सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमें पता है ये क्वेश्चन है पूरा, तो यहाँ हमने कॉपी कर लिया और ऊपर लगा दिया टी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करना आपको आता है, रो को कैसे लिख दीजिए कॉलम वाइज, देखिए कॉलम वाइज लिखा, बस ये हो गया इसका आंसर। मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, आई थिंक ये ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ करेक्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में है एक मैट्रिक्स है ए जिसमें सारे एलिमेंट वन है, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, फाइंड करना है ए की पावर एन। तो देखिए ये कैसे करा जाएगा, सबसे पहले बच्चों इसका जो लॉजिक है हमारे पास वो क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए की पावर एन निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे मेन होता है प्रोडक्ट निकालने के लिए, सबसे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आता है वो आता है ए स्क्वायर, है ना। तो ए की पावर एन निकालने से पहले हम सबसे छोटे पे पहुंच जाते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, है ना। तो देखते हैं ए स्क्वायर कितना आता है, तो देखिए ए स्क्वायर में दोनों मैट्रिक्स लिखी, प्रोडक्ट आपको आता है करना तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सारे एलिमेंट आ जाएंगे 2 2 2 2, ये सब आ चुके हैं बिल्कुल सेम। अब क्या होगा, 2 हर एक एलिमेंट में से कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 1 1 1। आप ध्यान से देखिए ये जो मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, ए के, देखिए क्वेश्चन में ए आ रहा है और ये जो मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, ए के। तो यहाँ पे अभी हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं 2 को, और ये हो गया ए, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए बिल्कुल सेम ए क्यूब निकालिए, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, रखने के बाद हमें कुछ ये मिलेगा 4 4 4 4 कॉमन आ गया 1 1 1 4, और बाहर ये जो मैट्रिक्स है इसको ए लिख सकते हैं 4a हो गया, तो यहाँ आप लिखेंगे 4a, ये वही एक्सप्रेशन है पुराना। तो ए क्यूब की वैल्यू बच्चों क्या आई, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू में a, तो हमें ये मिला ए क्यूब। अब उसके बाद देखिए ए 4 अगर आप निकालेंगे ना तो सीरीज वाइज जाइए, ए स्क्वायर हमने निकाला तो कितना आया था ए स्क्वायर, देखिए बच्चों हमने पीछे अभी बताया था ए स्क्वायर मैंने वहाँ पर फाइंड किया, तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी बच्चों वो आई थी कुछ ये, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू ए, ये आया था हमारे पास ए स्क्वायर, है ना। अब फिर उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, उसके बाद हमने यहाँ पे ए क्यूब निकाला, तो देखिए ए क्यूब कितना आया 2 की पावर 2 इंटू ए। अब ये देखिए पैटर्न बनता जा रहा है, अगर आप ए की पावर 4 निकालेंगे तो एक कम आएगी यहाँ पावर, है ना, यहाँ कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि ऊपर से आप देख सकते हैं 3 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, तो बिल्कुल सेम 4 है तो कितना आएगा 3। अब इसी सीरीज को फॉलो करते हुए बच्चों यहाँ पर अगर n पूछा तो एक कितना आएगा इससे कम आएगा, तो इसी सीरीज को फॉलो करते हुए बच्चों अगर यहाँ n है तो इससे कम आएगा n माइनस वन, तो इसलिए ए की पावर n जो होगा वो क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए, ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ देखना मैथ्स फिजिक्स से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।